आजकल की तेज रफ्तार वाली जिंदगी में हमें समय नहीं मिल पाता कि हम जिम के लिए एक घंटा भी निकाल पाए, और ये ट्रैफिक, इस ट्रैफिक से तो हम सब कतराते हैं। इसलिए मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कुछ ऐसी एक्सरसाइजेस जो आप घर में भी कर सकते हैं, और वो भी सिर्फ 5 मिनट में। और मैं ये गारंटी लेती हूँ कि अगर आपने मेरा साथ दिया तो आप अपना वजन 5 से 10 किलो तक आसानी से कम कर सकते हैं। आज का हमारा एपिसोड बेस्ड है आर्म्स पर। हम सभी को स्लीवलेस कपड़ों में सेक्सी दिखना पसंद है, और वो ढीले ढाले आर्म्स किसी को पसंद नहीं है। तो बिना वक्त जाया किए आइए शुरू करते हैं फैट टू फिट आर्म्स ट्रेनिंग। अभी मैं आपको जो हम 5 एक्सरसाइज करने वाले हैं मैं उसका डेमो दिखाती हूँ, और अगले सेगमेंट में वो आप मेरे साथ फॉलो करेंगे। लेट्स बिगिन। और हमारी पहली एक्सरसाइज है पुशअप्स। पुशअप्स आप 2 तरीके से कर सकते हैं, ये फुल पुशअप, और अगर आप फुल पुशअप ना कर पाए तो आप हाफ पुशअप भी कर सकते हैं। और हाँ, पुशअप्स में हमेशा याद रहे कि आपका शोल्डर आपके आर्म्स के ऊपर है। हमारी सेकेंड एक्सरसाइज है जिसमें आपको अपने बॉडी को वी कर्व देना है, और आपके हेड को इस तरीके से नीचे टच करना है, और ये आप रिपीट करेंगे। और हमारी थर्ड आर्म एक्सरसाइज है डिप्स, जिसमें आपको अपने आर्म्स को ऐसे रखकर उसके बैलेंस पे अपने बॉडी को ऊपर करना है, और इस तरह राइट लेग लेफ्ट लेग के ऊपर रखकर डिप्स मारना है, जिसमें आपके हिप्स नीचे ज़मीन पर टच होने चाहिए। और सेम ये आप रिपीट करेंगे अपना लेफ्ट लेग राइट लेग पर रखकर। हमारी फोर्थ एक्सरसाइज है सुपरमैन, जिसमें आप पूरा का पूरा ज़मीन पर लेट जाएंगे, और आपको अपने ऐसे आर्म्स ऊपर रखने हैं, और हाँ याद रहे आपके पैर भी ज़मीन पर टच नहीं होने चाहिए, और आप इस तरीके से अपने आर्म्स को ऊपर नीचे करेंगे। और हमारी लास्ट एंड फिफ्थ एक्सरसाइज है शोल्डर प्रेस, जिसमें आपके शोल्डर को आप इस तरीके से अपने फेस के सामने अपने आर्म्स को रखेंगे, और इसको पीछे ले जाकर फिर ऊपर। ये मोमेंट आप बार बार रिवाइंड करेंगे। ये सारी एक्सरसाइज आप मेरे साथ इस सेगमेंट में करेंगे। अगर आपको किसी भी तरह का कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप इंट्रो सेगमेंट फिर से देख सकते हैं। अगर कन्फ्यूजन नहीं है तो लेट्स गेट स्टार्ट विथ पुशअप। आपको इस फॉर्म में 30 सेकेंड तक पुशअप्स करने हैं। जैसा कि मैंने आपको कहा था, आप हाफ पुशअप्स भी कर सकते हैं। आपका फॉर्म बहुत ज़रूरी है, आपका शोल्डर हमेशा आपके आर्म्स से ऊपर रहेगा। डोंट गिव अप, स्टे विद मी। 3, 2, and 1, डन। अब हम करेंगे रिकवरी सेक्शन, जिसमें आपको पूरी अच्छी तरीके से सांस लेनी है, एंड जस्ट वॉक, रिलैक्स। याद रहे कि रिकवरी सेक्शन के टाइम पर आपकी ब्रीदिंग बहुत ही अच्छी तरीके से होनी चाहिए। अब बिना टाइम वेस्ट किए हम अब नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे हेड डाउन। 1, 2, 3, 4, 5। याद रहे आपकी बॉडी करेक्ट वी शेप में होनी चाहिए। ये एक्सरसाइज आपको 30 सेकेंड्स तक करनी है। डोंट गिव अप। कहते हैं मेहनत का फल मीठा होता है, सो डोंट गिव अप। और बस ये हो गया। 3, 2, and 1। अब हम करेंगे रिकवरी सेक्शन फिर से। टेक डीप ब्रेथ। आपको अच्छी तरीके से सांस लेना है और अपनी बॉडी को रिलैक्स करना है। हमारी ब्रीदिंग बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारी वेट को कम करने में। अगर आप इस ब्रीदिंग को सही तरीके से रिकवरी सेक्शन में लेते हैं तो ये बहुत फायदेमंद है। जस्ट रिलैक्स। चलिए अब नेक्स्ट एक्सरसाइज करते हैं। आपको आपके आर्म के बैलेंस पे अपनी बॉडी को उठाकर इस तरीके से डिप्स मारने हैं। 1, 2, 3, 4, 5,
सेक्स बस हो गया। आपको ये एक्सरसाइज एक लेग से 15 बार करनी है। नाउ चेंज एंड रिपीट। आपको लेफ्ट लेग अपने राइट लेग पर ऊपर रखकर सेम एक्सरसाइज 15 बार रिपीट करनी है। 3, 2 एंड 1। अब ये हो गया। नाउ रिकवरी सेक्शन फिर से। जस्ट ब्रीथ, टेक डीप ब्रेथ। आपको अच्छी तरीके से ब्रीदिंग करनी है। एज आई टोल्ड, रिकवरी सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है हर एक्सरसाइज सेगमेंट के बाद। और आपको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ ब्रीथ करिए और मार्च पास। नाउ टाइम फॉर फोर्थ एक्सरसाइज, जो कि है सुपर मैन। आपको इस तरीके से बॉडी को लेट कर हाथ ऊपर उठाकर नाउ अपने शोल्डर को आगे से पीछे करना है इस तरीके से। 4, 5, 6। याद रहे आपके पांव जमीन पर टच नहीं होने चाहिए। जस्ट डू दिस अगेन एंड अगेन 30 times, 30 seconds। डोंट गिव अप, आपको ये करते रहना है। सिर्फ समझ लीजिए आप पानी में स्विमिंग कर रहे हैं। नाउ रिकवरी सेक्शन, जस्ट मार्च एंड ब्रीथ। आपको अच्छी तरीके से सांस लेना है और अपनी बॉडी को रिलैक्स मोड पर डाल देना है। आपकी ब्रीदिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अब लास्ट और फाइनल एक्सरसाइज है शोल्डर प्रेस, जिसमें आपका हाथ को आपको अपने हाथ को ऐसे मूव करते रहना है 30 सेकेंड्स तक। इससे आपके शोल्डर्स और आर्म्स शेप में आ जाते हैं। डोंट गिव अप। 2, 1 और ये हो गया। अब आपको वापस से रिकवरी सेक्शन करना है। याद रहे ऐसा नहीं है कि आप लास्ट एक्सरसाइज के बाद रिकवरी सेक्शन ना करें, ये उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि हर एक्सरसाइज सेक्शन के बाद है। जस्ट ब्रीद एंड मार्च। अच्छी तरीके से सांस लेने से आपकी कैलोरीज बर्न होती है, और खास करके एक्सरसाइज के टाइम पे और रिकवरी सेक्शन के टाइम पे आपको अपनी सांसों पर ध्यान देना है। कॉन्ग्रेचुलेशन एवरीवन, आपने हमारे साथ कंप्लीट कर लिया है फैट टू फिट आर्म स्ट्रेंथ सेशन। अब बारी है फैट टू फिट लेग सेशन। ऐसे ही एक्सरसाइज टिप्स गाइड्स पाने के लिए हमें लाइक और सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम आप तक लाते हैं नए नए और अमेजिंग ब्यूटी, फिटनेस और डाइट टिप्स। तो डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब।